बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम फौजियाता। आई कंप्लीटेड माई फॉर्म डी डिग्री एंड एमफिल फार्माकोलॉजी फ्रॉम बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। आई एम रेगुलर फैकल्टी मेंबर ऑफ बहाउद्दीन जकरिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में कुछ सर्विसेज जो हैं वो पढ़ रहे थे, जो कि हॉस्पिटल के अंदर यूज की जाती हैं, हॉस्पिटल के अंदर वो प्रोवाइडेड हैं। एक डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी सर्विस के अंदर, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक चीज है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड सर्विस। ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज एन इमेजिंग टेक्निक यूज्ड बाय रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है कि ये भी जो टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनकी इमेजेस लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए एक टेक्निक है, जो कि रेडियोलॉजिस्ट, वो फिजिशियंस, वो डॉक्टर्स जिनकी रेडियोलॉजी में कमांड है, उनको हम कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियोलॉजिस्ट जो हैं इस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्वालिटी ऑफ इमेजेस ऑब्टेन यूजिंग अल्ट्रासाउंड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्किल ऑफ पर्सन। कि ये डिपेंड कर रहा है जो डॉक्टर है उसकी ट्रेनिंग पे, कितनी उसकी स्किल्स हैं, कितनी महारत से वो ये टेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, जो कि रेडिएशंस जो है वो एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम डिजीज को डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जो सब्सटेंसेस हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो उनको डील करने के लिए किसी एक्सपीरियंस बंदे का होना लाजमी है। इसीलिए इससे जो इमेजेस हम रिसीव कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कि वो पर्सन कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसकी कितनी स्किल्स हैं रेडियोलॉजी को कैरी आउट करने में। थ्रू अल्ट्रासाउंड वी कैन ऑब्टेन इमेजेस ऑफ लंग्स, बोवेल और बोन। ठीक है, जो फेफड़े वगैरह होते हैं, हड्डियां, ठीक है, और बोवेल मूवमेंट्स जो होती हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से कैसे जो है वो मूवमेंट हो रही है फूड की, उसको कहते हैं बोवेल मूवमेंट। तो अल्ट्रासाउंड से हम इन ऑर्गन्स के जो है वो इमेजेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्रस का भी ले सकते हैं इमेजेस, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। इन पास्ट अल्ट्रासाउंड इमेजेस वर स्टैटिक एंड टू डायमेंशनल, ठीक है, जिसको कहते हैं 2D। तो माजी में अल्ट्रासाउंड इमेजेस जो थे 2D थे, उसको हर साइड से जो है वो विजुअलाइज हम नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो अब जो है हम अल्ट्रासाउंड से 3D इमेजेस भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन्स, जिसको कहते हैं CT स्कैन्स, एंड NMR टेक्निक्स, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक्स, जो कि रेडियोलॉजी के एरियाज हैं, जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, ये जो है यूटिलाइज आयोनाइजेशन रेडिएशंस, व्हाइल अल्ट्रासाउंड डज नॉट यूटिलाइज आयोनाइजेशन रेडिएशंस। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कंसीडर्ड सेफर टेक्निक। के इमेजेस लेने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड टेक्निक को यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि इसके अंदर एज सच आयोनाइजेशन रेडिएशंस जो हैं वो यूज नहीं की जाती, जो कि
बाकी टेक्निक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए उन टेक्निक्स की निस्बत अल्ट्रासाउंड टेक्निक जो है ये सेफर टेक्निक है। इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ऑब्स्टेट्रिकल इमेजिंग। ऑब्स्टेट्रिकल इमेजिंग का क्या मतलब होता है कि मतलब जो फीटस वगैरह होते हैं, ठीक है, फीटस की प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस में जो इमेजेस लिए जाते हैं, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट चेक की जाती है कि उस फीटस की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, तो अल्ट्रासाउंड को ऑब्स्टेट्रिकल इमेजिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। फीटल एनाटॉमिकल डेवलपमेंट कैन बी विजुअलाइज थ्रू इट, ठीक है, वही जो मैं आपको बात बता रही थी कि फीटस की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, कि उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, ब्रेन के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, और फिजिकली भी उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, उसको हम अल्ट्रासाउंड टेक्निक से जो है देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, और उसकी जो है वो पिक्चर भी हम देख सकते हैं। कलर फ्लो डोपलर अल्ट्रासाउंड मेजर्स सीवियरिटी ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज एंड इज यूज बाई कार्डियोलॉजिस्ट फॉर डायनामिक इवेल्युएशन ऑफ हार्ट, हार्ट वाल्व्स एंड मेजर वेसल्स। ठीक है, जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन की डिजीज है, मतलब कि ब्लड जब सर्कुलेट कर रहा होता है तब जो है एक डिसऑर्डर पैदा होता है, किस वजह से, कि हार्ट से बाहर जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, पेरिफेरल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हार्ट के और ब्रेन से बाहर जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं किसी वजह से, तो इसीलिए इसको कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल का क्या मतलब होता है, पेरिफ्री मतलब के साइड, ठीक है, उस टिश्यू के अंदर जो है, उस ऑर्गन के अंदर जो है वो ऐसी कोई चीज नहीं हो रही, लेकिन उसके बाहर जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज एंड इज यूज बाय कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं किस चीज की इवेल्युएशन के लिए, किस चीज का तजिया करने के लिए, ठीक है, दिल के जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, उसको देखने के लिए, जो दिल के सुराख हैं, ठीक है, हार्ट वाल्व्स या चैम्बर्स हैं, उनको इवेल्युएट करने के लिए, और इसके अलावा मेजर वेसल्स, अगर जिस तरह एओर्टा है, ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की इवेल्युएशन के लिए जो कलर्ड अल्ट्रासाउंड टेक्निक होती है उसको जो है वो यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्निक। अदर सपोर्टिव सर्विसेज, इन एडिशन टू अबव डिस्क्राइब्ड सर्विसेज, सम अदर सर्विसेज आर आल्सो प्रेजेंट इन हॉस्पिटल लाइक मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिविजन्स। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल की जो मेंटेनेंस है वो कैसे करनी है, हॉस्पिटल को कैसे मेंटेन करना है, किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है, उसको कहते हैं मेंटेन करना। एंड इंजीनियरिंग डिविजन्स, हॉस्पिटल के अंदर जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेबोरेटरी है, इनके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, उन इक्विपमेंट्स की जो मेंटेनेंस है, उनका में अगर कोई फॉल्ट है तो वो तो जाहिर सी बात है कोई इंजीनियर ही जो है उसके साथ डील कर सकता है ना, तो इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग डिविजन्स भी होती हैं, जो कि एक तो हॉस्पिटल की मेंटेनेंस और दूसरा जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर उनकी जो है वो मेंटेनेंस पे वर्क करेगा, कैरी आउट करेगा, तो इसको कहते हैं हम अदर सपोर्टिव सर्विसेज। मेडिकल एंड सोशल सर्विस डिपार्टमेंट है, ये भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं मेडिकल एंड सोशल सर्विस डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मेडिकल एंड सोशल स्टडी। ठीक है, उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसमें पेशेंट के साथ जो है वो डील किया जाएगा, ठीक है,
प्रोफेशनल स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद होगा, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, और इसके अलावा सोशल स्टडी, ठीक है, कि मतलब लोगों के साथ जो है वो डील करेंगे, लोगों को जो है उसके बारे में कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, लोगों को हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस दी जाएगी, आगाही दी जाएगी, उसको कहते हैं सोशल स्टडी। दे आर इन्वॉल्व इन सोशल थेरापी एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट है इसीलिए पेशेंट की बहाली, उनकी हेल्थ केयर के लिए ये डिपार्टमेंट जो है इन्वॉल्व है। और दूसरा सोशल थेरापी, कि जो बाकी पॉपुलेशन है, बाकी पॉपुलेशन को हेल्थ अवेयरनेस दे के हम जो है एक किस्म की उनकी थेरापी कर रहे होते हैं, उनको जो है हम पहले ही इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि अगर वो इस तरीके से अपना ख्याल रखेंगे तो इन डिजीज़ को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं मेडिकल एंड सोशल सर्विस डिपार्टमेंट। एनेस्थीजिया सर्विस, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन हॉस्पिटल, ठीक है। एनेस्थीजिया केयर इज यूजली प्रोवाइडेड बाय ट्रेंड एनेस्थीजियालॉजिस्ट, के वो डॉक्टर्स जिनकी एनेस्थीजिया के अंदर कमांड होगी उनको हम कहते हैं एनेस्थीजियालॉजिस्ट, जो के पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक या पेशेंट से पूछ के कि उनको लोकल एनेस्थीजिया दिया जाए या जनरल एनेस्थीजिया दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो एनेस्थीजियालॉजिस्ट जो हैं एनेस्थीजिया जो है वो पेशेंट को देंगे। ये बेसिकली सर्जरीज के अंदर, ठीक है, या ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो एनेस्थीजिया दिया जाता है। सेंट्रल सर्विस डिपार्टमेंट, इट फर्निशेस ऑल सप्लाइज रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग यूनिट्स, कि नर्सिंग यूनिट के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, मतलब क्योंकि नर्सेज ने ही पेशेंट की जो है वो टेक केयर करनी है, उनको मेडिसिन देनी है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो तमाम सप्लाइज नर्सिंग यूनिट्स के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए सेंट्रल सर्विस डिपार्टमेंट नर्सिंग यूनिट्स के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको जो है वो सप्लाई करने का फर्निश करेगा। दीज सप्लाइज इंक्लूड स्टीराइल लिनन, नीडल्स, सरिंजेस एंड अदर सर्जिकल सप्लाइज, ठीक है, मतलब जिस तरह गाउन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लैब कोट्स वगैरह हो गए, वो जो है स्टीराइल हो, ग्लव्स वगैरह, नीडल्स, सरिंजेस जो कि पेशेंट को जो है वो लगाई जाती हैं, कैनूला वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। और सर्जरी के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जो जो सामान यूज़ किया जाता है, जो सेंट्रल सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ये तमाम सप्लाइज जो हैं फर्निश की जाती हैं, उनकी फर्निशिंग की जाती है, उनको सप्लाई किया जाता है नर्सिंग यूनिट्स को। फिर हम देख लेते हैं ये हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का क्या रोल है। जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है ये हमने वैसे पहले भी पढ़ा था, ये जो है दोबारा आ गया। प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ आर फार्मास्यूटिकल्स विद इन हॉस्पिटल। प्रोक्योरमेंट का मतलब है रिसीविंग, ठीक है, रिसीविंग मेडिसिन की कैसे करनी है, उसको कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन पेशेंट्स में करना है, आउट पेशेंट्स में करना है, वार्ड्स के अंदर करना है। एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स विद इन हॉस्पिटल, कंट्रोल का क्या मतलब है कि जिन जिन फार्मास्यूटिकल्स की, जिन जिन मेडिसिन की ज़रूरत है सिर्फ वही जो है आगे जाए, बाकी जो है वो एस सच पड़ी रहे, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। जो अननेसेसरी मेडिसिन हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स विद इन हॉस्पिटल। मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल, ठीक है, जो ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना है, तो उसके लिए जो है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, उनका जो है वो तजिया किया जाता है। और इसके अलावा ड्रग्स की एक्सपायरी डेट वगैरह, शेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ, मतलब कि सब कुछ जो है वो चेक किया जाता है और उसकी क्वालिटी को जो है वो इंश्योर किया जाता है, ताकि जो ड्रग्स क्वालिटी वाली हैं वही हॉस्पिटल के अंदर मौजूद रहे, बाकी जो है वो फिर डिस्कार्ड की जाती हैं या उनको फिर वापस भेज दिया जाता है जहाँ से ली हुई होती हैं। अट्रैक्ट वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट टू हॉस्पिटल, ठीक है, कि हॉस्पिटल के अंदर
फार्मासिस्ट जो है वो वेल ट्रेंड हो ताकि वो सब लोगों को, पेशेंट्स को, मेडिकल स्टाफ को मेडिसिंस के बारे में ट्रेनिंग भी दे सके। ठीक है, वो खुद वेल ट्रेंड होगा तो जाहिर सी बात है वो आगे किसी और को भी जो है वो सिखा सकता है, उसकी ट्रेनिंग कर सकता है। तो वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर अट्रैक्ट करना है। इवेल्युएशन एंड डिसिमिनेशन ऑफ कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग यूज टू मेडिकल स्टाफ एंड पेशेंट्स। ठीक है, के जो इंफॉर्मेशन है मेडिसिन की उसको जो है वो स्प्रेड करना है। डिसिमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना। तो उस मालूमात को, ड्रग की मालूमात को मेडिकल स्टाफ को और पेशेंट्स को जो है वो बताना है कि इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, मेडिसिन के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो मेडिसिन की तमाम तर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है फार्मासिस्ट ने फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर। टू प्रमोट रिसर्च इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड इन द फार्मास्यूटिकल साइंस इन जनरल। ठीक है, कि वो जो मेडिसिन्स हैं उन पे फिर रिसर्च की जाती है क्योंकि उनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके न्यू ड्रग्स जो हैं वो फिर डेवलपमेंट में आती हैं, तो उन पे बेसिकली पूरी रिसर्च की जाती है। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट का मकसद रिसर्च को भी प्रमोट करना है ताकि न्यू से न्यू मेडिसिन जो हैं वो आए जिससे बेनिफिट भी हो और इसके अलावा वो लेस एक्सपेंसिव हो। तो रिसर्च को प्रमोट करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फार्मेसी के अंदर जो मेडिसिन वगैरह लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं, ठीक है, उनको जो है ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है वो पूरा उसकी प्लानिंग की जाएगी बाय द फार्मासिस्ट। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, पॉलिसीज होंगी, उनको जो है वो फॉलो करवाया जाएगा जो कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी उसके बारे में जो पॉलिसीज बनाएंगी उसको जो है वो फिर लागू करवाया जाता है, इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, कि एक तो वो जो मेडिसिन्स हैं बल्क में बनाई जाएंगी क्योंकि हमें तो थोड़ी अमाउंट तो नहीं चाहिए ना, हमें तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन पेशेंट्स को देनी है, आउट पेशेंट्स को देनी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो इसीलिए एक तो बल्क क्वांटिटी फार्मास्यूटिकल्स की बनाई जाएगी एंड स्टीराइल, ठीक है, जो सिरिंजेस वगैरह हैं, सर्जिकल सप्लाईज हैं, वो स्टीराइल होंगे क्योंकि स्टीराइल होंगे तभी हम उनको यूज कर सकेंगे। स्टीराइल को यूज करने का मकसद ही यही है कि उससे जो है मेडिसिन्स जो इन्फेक्शियस होती हैं, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाती हैं, ट्रांसमिटेबल डिजीज, एक तो डिजीज ट्रांसमिट ना हो, ठीक है, और हाइजेनिक कंडीशंस जो होती हैं उनको कैरी आउट किया जाता है, इसीलिए स्टीराइल फार्मास्यूटिकल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन किया जाता है कि कितनी मेडिसिन्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी गई हैं। ठीक है, सर्जिकल सप्लाईज कितने हैं, कितनी मेडिसिन हमें रिक्वायर्ड हैं, तो इसका जो है एक पूरा रिकॉर्ड होता है उसको जो है वो मेंटेन करना है। फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग्स, के जो ड्रग्स बनाई गई हैं उनकी लेबलिंग करनी है, मतलब इसका ब्रांड ये है, केमिकल नेम ये है इसका, इसके अलावा स्ट्रेंथ इसकी इतनी है, एक्सटर्नल यूज के लिए है या इंटरनल यूज के लिए। तो लेबलिंग का मतलब होता है प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहते हैं लेबल। ड्रग की तमाम तरह इंफॉर्मेशन जिसपे जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिखी हुई होंगी, इसके अलावा उस की जो है सिंथेसिस मतलब फॉर्मुलेशन भी लिखी हुई होती है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज की गई हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, ये सारी चीजें ड्रग्स की प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं लेबलिंग। ठीक है, एंड फिलिंग ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब है कि जो
प्रेस्क्राइब की गई है पेशेंट को ड्रग्स, उनकी जो है वो पे डिस्पेंसिंग करनी है, ठीक है। उसको कहते हैं फिलिंग, मतलब कि ये वाली ड्रग्स जो हैं, ये वाली मेडिसिन पेशेंट को दी जा चुकी हैं, तो एक तरह से फिलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। डिस्पेंसिंग का मतलब है डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। तो जो जो चीज़ें डॉक्टर ने पेशेंट को लिख के दी है प्रेस्क्रिप्शन, उनको पेशेंट को डिलीवर कर देना, उसको कहते हैं डिस्पेंसिंग। इंस्पेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल सप्लाईज, ठीक है, उनकी इंस्पेक्शन जो है वो करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, सर्जिकल सप्लाईज की, कि वो ठीक है या नहीं है, वो सब स्टैंडर्ड ना हो, ठीक है, उनकी क्वालिटी लो ना हो, ठीक है, स्पूरियस ड्रग्स ना हो, मतलब कि कुछ ने जो है वो कम क्लेम किया हुआ होता है कि जी ये मेडिसिन जो है इस कंपनी की है, लेकिन वो मेडिसिन असल में उस कंपनी की नहीं होती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखने के लिए उनकी इंस्पेक्शन की जाती है। इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, ये जो कमेटी बनाई गई है फार्मेसी के बारे में, जो कि फार्मेसी के बारे में जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे उनको बताएगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। कमेटी के अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, फिर उन रूल्स को, रेगुलेशंस को, जो पॉलिसीज होती हैं, जो डिसीजंस होते हैं, उनको जो है वो लागू करवाया जाता है। तो इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। परचेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ठीक है, मेडिसिन को जो है वो खरीदा जाता है, उनकी परचेजिंग की जाती है फ्रॉम होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। होलसेल फार्मेसी एंड रिटेल फार्मेसी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आगे अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है ड्रग्स की, केमिकल्स की, मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसीज को, तो उसको हम कहते हैं होलसेल फार्मेसी, मतलब के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले भी बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर फार्मेसी वाले भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं होलसेल फार्मेसी। और रिटेल फार्मेसी क्या है के बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर हैं या फार्मेसीज हैं, वो लोगों को जो मेडिसिंस देते हैं, ठीक है, जिन्होंने इस्तेमाल करनी है, कंज्यूम करनी है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे, तो उसको हम कहते हैं रिटेल फार्मेसी। तो होलसेलर्स को कहते हैं होलसेल फार्मेसी को हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, और रिटेल फार्मेसी को हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। तो जो बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने पेशेंट्स को, पॉपुलेशन को मेडिसिन देनी है फिक्स्ड परसेंटेज पे, और होलसेलर्स में जो बिजनेस कर रहे हैं वही दे रहे हैं और आगे लेने वाले भी बिजनेस वाले ही हैं, तो इसको कहते हैं होलसेलर्स। इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी, ठीक है, मेडिसिन का जो है वो पूरा रिकॉर्ड, कितनी मेडिसिन अवेलेबल है, कितनी किस डिपार्टमेंट के अंदर जा रही हैं, किन किन की जरूरत है, इस पूरी को हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टेशन, इनपेशेंट एंड आउटपेशेंट, ठीक है। इनपेशेंट एंड आउटपेशेंट को पहले भी बताया था आपको कि इनपेशेंट जो है वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होंगे, दाखिल होंगे, और आउटपेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होंगे, तो आउटपेशेंट्स को भी मेडिसिन देनी है, इनपेशेंट्स को भी देनी है, और नर्सिंग स्टेशंस को भी देनी है जो कि वार्ड के अंदर मेडिसिंस को पेशेंट को देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टीराइल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये पहली चीज आ गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंसिलरी सप्लाईज, एम्बुलेटरी एड्स, बेड एड्स, ऑर्थोपेडिक बेसिस टू पेशेंट्स। एम्बुलेटरी एड्स का क्या मतलब है कि मतलब सहारा देने वाली चीज़ें, जिस तरह के वॉकर है, ठीक है, व्हील चेयर्स हैं, जो पेशेंट्स नहीं चल सकते, उनका जो है वो चलने में मसला है,
तो इनको हम कहते हैं एम्बुलेटरी एड्स, बेड एड्स, मतलब बेड से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं, कि कुछ लोग जो हैं वो सख्त जगह पर नहीं लेट सकते, उनके वर्टिब्रल कॉलम का, रीढ़ की हड्डी का मसला है, या किसी भी वजह से वो जो है सख्त जगह पे नहीं लेट सकते, ठीक है, तो उनके लिए नरम बेड का जो है वो इंतजाम किया जाता है, तो इनको कहते हैं बेड एड्स। आर्थ्रोपेडिक ब्रेसिस, आर्थ्रोपेडिक ब्रेसिस का क्या मतलब होता है, कि मतलब जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उनका मसला है, ठीक है, तो उनको सहारा देने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं उनको हम कहते हैं आर्थ्रोपेडिक ब्रेसिस। वक्ती तौर पे उनकी जो मूवमेंट है उनको रोका जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तो पहले ही दर्द है या टूट गई है वहां से कोई हड्डी या जॉइंट, तो उनकी मूवमेंट को वक्ती तौर पे कंट्रोल करने के लिए जिस चीज का हम सहारा देते हैं उसको कहते हैं आर्थ्रोपेडिक ब्रेसिस। तो इनकी भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स, इन पेशेंट्स को भी जो है वो डिलीवरी ऑफ मेडिसिन करनी है और आउट पेशेंट्स को भी करनी है। उसके बाद है क्लिनिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, कि हॉस्पिटल फार्मेसी की क्लिनिकली जो है वो क्या फंक्शन है, कौन कौन से काम वो कर सकती है। थेरापेटिक कंसल्टेशन बाय हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है, कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, उसको जो है मशवरा देगा, ठीक है, तजावीज देगा कि इस मेडिसिन को इस तरह इस्तेमाल करना है, इस डिजीज को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए आपने ये वाली मेडिसिन लेनी है, इसको इस तरीके से लेना है, तो वो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंसल्टेशन है फॉर ट्रीटिंग डिजीज, उसको कहते हैं थेरेपेटिक कंसल्टेशन। मॉनिटरिंग फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग थेरेपी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, जिसके अंदर ड्रग की कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है और एक्सक्रीशन हो रही है, तो इन एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, इनको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। मतलब बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है, कितनी मेटाबॉलिज्म करवा रही है, और एक्सक्रीशन का रूट कौन सा है, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स फंक्शंस अंडर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड फिजिशियन, ठीक है, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, इसने ड्रग की इंफॉर्मेशन देनी है मेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को या फिजिशियंस को, वो किसके अंडर काम करती है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंडर, ठीक है, इस तरीके से वो जो ड्रग की इंफॉर्मेशन होगी पूरे मेडिकल स्टाफ को और पेशेंट्स को जो कि ड्रग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी बाय द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बाय द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। प्रेपरेशन ऑफ ड्रग प्रोफाइल, रिकॉर्डिंग ऑफ पेशेंट हिस्ट्री एंड एडवाइजिंग फिजिशियंस ऑफ पॉसिबल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड एडीआरस। ड्रग प्रोफाइल का क्या मतलब है, कि उसके अंदर ड्रग की जो है वो कंप्लीट डिटेल लिखी हुई होती है, मतलब कि ड्रग का केमिकल नेम, ब्रांड नेम, ठीक है, डोज कितनी लेनी है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कौन कौन से हैं, यूजेस कौन कौन से हैं, एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा कंट्रा इंडिकेशन, मतलब ड्रग को किस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना, उसको कहते हैं ड्रग प्रोफाइल। रिकॉर्डिंग ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, ठीक है, पेशेंट हिस्ट्री जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि पेशेंट को डिजीज कितने अरसे से है, पहले कहाँ से ट्रीटमेंट लेता रहा था, कौन कौन सी डिजीजेस पहले भी थी और अब भी है, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी उसकी देखी जाती है कि पेशेंट की फैमिली में किसी को ये बीमारी थी या नहीं थी, और पेशेंट पहले कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करता रहा है और अब कौन सी कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पेशेंट हिस्ट्री, उसको भी जो है वो रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बताना है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस का, कि प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो ड्रग्स लिखी गई हैं उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं है,
जो दो या तीन ड्रग्स लिखी गई हैं उन ड्रग्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर ड्रग्स इंटरेक्शन करेंगी तो उस ड्रग का इफेक्ट या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, तो थेरापूटिक इफेक्ट उसका नहीं होगा, तो बेनिफिट होने की बजाय, फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। तो अगर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो कोई, तो वो डॉक्टर को बताना है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने। एंड एडीआरस, एडीआरस का मतलब है, ए का मतलब है एडवर्स, डी का मतलब है ड्रग, और आर का मतलब है रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो नुकसानदेह असरात होते हैं बॉडी पे, उसको हम कहते हैं एडीआरस। ड्रग रिसर्च, ठीक है, ड्रग पे जो रिसर्च की जाती है, तहकीक की जाती है, और उन ड्रग से जो है वो न्यू मेडिसिंस जो है वो बनाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं ड्रग रिसर्च। मेडिकेशन रिव्यू, मेडिकेशन रिव्यू का क्या मतलब है कि जो पेशेंट्स मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रिव्यू करना है कि उनका किसी किस्म का आपस में कोई इंट्रैक्शन ना हो, डोज सही दी गई है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेडिकेशन रिव्यू। तो आज के लेक्चर में जो सर्विसेज रह गई थी उनको जो है वो हमने डिस्कस किया, जिसमें अल्ट्रासाउंड, मेडिकल एंड सोशल डिपार्टमेंट, अदर सपोर्टिव सर्विसेज, उनको हमने पढ़ा। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल और क्लिनिकल फंक्शंस जो हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, हमने आज रीड आउट किए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।